हेलो फ्रेंड्स, आज हम जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वप्रथम जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी। तो 1872 में लॉर्ड मयो के समय से प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 1872 में जनगणना हो नहीं पाई थी। तो फिर 1881 में जब लॉर्ड रिपन थे, उस समय से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारतवर्ष में जनगणना की जा रही है। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन निकाय का जनक भी कहा जाता है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद से 1881 के बाद से प्रत्येक 10 व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अभी तक जनगणना की जा रही है। तो अभी तक भारतवर्ष में 2011 तक कुल 15 बार जनगणना की गई है। 15 बार जनगणना की गई है, जो कि इसमें हम एक बार और इंक्लूड करते हैं, ये जनगणना हुई थी 1865 में पश्चिमी प्रांत में। इसको लेकर कुल 15 बार जनगणना हुई है। तो हम इसमें एक ईयर लेते हैं, 1911 से 1921 में। 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें हम देखते हैं कि जो उस समय की जो पॉपुलेशन थी उसमें हुआ था 0.03% का डिक्रीमेंट हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमेशा जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, प्रत्येक डिकेड में वो इंक्रीमेंट होता है। लेकिन पहली बार ये दिखा गया है कि जो ये 10 ईयर का इसमें जो डिकेड है, इसमें डिक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन का 0.03% का। इस वजह से इसे ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। जो जनगणना कराने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार को सौंपा गया। धारा 246 के तहत जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार का है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने इसका दायित्व दे दिया गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय को दे दिया, फिर गृह मंत्रालय ने, फिर उसके बाद जो चुनाव आयोग होते हैं, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। अब हमें पता है कि हमारे भारतवर्ष में जो जनगणना होती है वो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ये है 7वीं अनुसूची में वर्णित है कि धारा 246 के तहत जनगणना का दायित्व तो केंद्र सरकार का है। अब 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7वीं अनुसूची में जो है फेडरेशन लिस्ट है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय सम्मिलित है कि उसमें कौन कौन से विषय इंक्लूडेड है। अब हम पढ़ेंगे जो जनगणना 2011 है उसकी डिटेल के बारे में, उसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आते हैं जो हमारे भारतवर्ष के जो जनगणना है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो सेक्स रेशियो है वो है 943 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पे हैं। जो लिटरेसी है, साक्षरता रेट है, वो है 74% है, ओवरऑल 74% है। और जो पुरुषों की साक्षरता वो है 82.1%, महिलाओं की साक्षरता है 65.5%। अब हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम है। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वो है उत्तर प्रदेश की है 19 करोड़, और न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की 0.061 करोड़। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो मैक्सिमम है बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो केरल की मैक्सिमम है 94% है, और जो मिनिमम है वो बिहार की है 61.8%। जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो सर्वाधिक है केरल में 1084 महिला है प्रत्येक 1000 पुरुषों पे। हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो न्यूनतम है, इसमें 879 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुष पे। अब हमने ये पढ़ लिया कि जो इंडिया है, हमारे भारत में किस राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम इन्फॉर्मेशन है, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। अब हम पढ़ते हैं अपने स्टेट उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो इसका लिटरेसी रेट है वो है 67%, पुरुषों का है 77%, महिलाओं का है 57%।
अब हम बात करते हैं कि किस जिले में, यूपी के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, न्यूनतम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात। तो सबसे अधिक जनसंख्या है प्रयागराज में और न्यूनतम जनसंख्या है महोबा में। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे ज्यादा है गाजियाबाद में है, सबसे न्यूनतम है ललितपुर में। जो साक्षरता दर है गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है। लिंगानुपात जौनपुर में सबसे ज्यादा है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम है। ये है सेंसस 2011 की कुछ डिटेल्स और फैक्ट्स है।